वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जैसे कि हम सबको पता है कि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, तो इस उपलक्ष्य पे, इस उत्सव पे सारा देश मंदिरों में जाकर अपने अपने घरों में अपने अपनी तरह से अपने अपनी श्रद्धा से त्यौहार मनाते हैं। तो आज ये मंदिर, ये जो जिसको हम लोग आश्रम भी बोला जाता है, इस आश्रम की वीडियो मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ इस चैनल पे। आज फिर हम लोग इस आश्रम में आए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, बड़े हर्षो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे धर्म की वीडियो होगी, हमारे सनातन का जो प्रचार है इस वीडियो में दिखाया जाएगा, हमारे यहाँ पे सत्संग होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि इस मंदिर की जो लोकप्रियता और बढ़े। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, बट मैं चाहता हूँ हमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए ताकि इस वीडियो की जो इस मंदिर की, इस जो आश्रम की लोकप्रियता हमारे पूरे जम्मू, हमारे इंडिया में, पूरा कार्यक्रम जो आज का जन्माष्टमी का है यहाँ पे शुरू होने वाला है, आप इस वीडियो में ये पूरा कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। पड़ोस के गाँव हैं, शहर से दूर दूर से लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कुसुम हिंदू जी हमारे सांबा से बहुत ही मशहूर धर्म प्रचारक कह सकते हैं इनको। तो आप मेरे साथ आज कुसुम हिंदू जी के पूरे जहाँ पे जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप इनका सत्संग सुनिए और इस ब्लॉग में आप सत्संग देखेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री नवल किशोर, श्री सीताराम चंद्र जी महाराज की। भगवान के नाम का स्मरण मात्र ही, उसका संकीर्तन मात्र ही हम सबको एकाग्र कर सकता है। श्री राम जय, राम जय, जय राम, श्री राम जय, राम जय, जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान किसकी पूजा करता रहता है? कहीं अपनी पूजा तो नहीं करता? नहीं महाराज, भगवान कभी अपनी पूजा नहीं करता। तो भगवान किसकी पूजा करते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, गौ द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। मैं गौ माता की सेवा करने के लिए अवतार लेता हूं, गौ माता ही मेरी भगवान है। भगवान कृष्ण हमारे ठाकुर हैं, लेकिन ठाकुर जी की ठाकुर कौन है? ठाकुर जी की ठाकुर गौ माता है। अब महाराज क्या है नियम कि जब भी भगवान की पूजा करो, किसी डीसी से मिलने जाना हो, कुसा डीसी कने मिलना हो है, ते पहले बार उदे पीए खड़ोते दा हुंदा, उसी पूछने पौंदा महाराज साड़ी पर्ची पे जो है अंदर, डीसी साहब कने मिलना। इं गए भगवान कन्नै जिसलै मिलना होए, तो भगवान के मुख्य पार्षद जेड़े उंदे कन्नै पहले उंदे कोला अनुमति लैनी पौंदी। इस कलयुग के राजा कौन है? अयोध्या के राजा कौन है? राम जी अयोध्या के राजा नहीं है। राम जी ने अपने किसी भी पुत्र को राजा नहीं बनाया, अयोध्या का लव को उत्तर कौशल का, कुश को दक्षिण कौशल का बनाया। लेकिन जब अयोध्या का राजा बनाने की बारी आई, तो राम जी ने कहा, मैं ऐसे पुत्र को राजा बनाऊंगा जो कभी मरे नहीं, जेड़ा सदा राजा रोया, जेड़ा राजपाट कदम मुक्के नहीं। तो तब किसको राजा बनाया राम जी ने? हनुमान जी को। तो हमारे राजा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज की। तो कहिए सब कि बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। रावण जो है उसका जब जन्म हुआ, रावण ब्रह्मा जी का पड़पोता है, रावण कोई छोटे मोटे खानदान का नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ऋषि पुलस्त जी, ऋषि पुलस्त के पुत्र हुए ऋषि विशर्वन, जिनको विशर्वा कहा गया, और विशर्वा ऋषि का पुत्र हुआ रावण। जैसे ही रावण पैदा हुआ, तो महाराज पैदा होते ही 12 साल का था,
मुंह में सारे दांत और पैदा होते ही भयंकर हंसी करने लगा, अट्टहास। और पैदा होते ही रावण के 10 सिर थे, तो पिता ने कहा दशग्रीवो प्रसूतो अहम् दशग्रीवा सन्नामना, तुम्हारे 10 सिर हैं इसलिए तुम्हारा नाम दशग्रीव होगा। पिता ने तो दशग्रीव नाम रखा, फिर रावण नाम किसने रख दिया महाराज? तो रावण एक बार कैलाश उठाता है, जैसे ही कैलाश उठाया पूरा ब्रह्मांड रावण के उस कैलाश उठाने के भय से कांपने लगा। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे से उस कैलाश को दबाया और 1000 साल तक रावण के हाथ उस कैलाश के नीचे फंसे रहे और कैलाश के नीचे रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। क्या कहता है रावण? 1-2 श्लोक ही। जटाडवी गलच्चल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंब तांबुजंग तुंग मालिकां डमट मट मट मन्नि नाद वड मर्वयं प्रकार चंड तांडवं तनोतुना शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत् 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 जलललाट पट्ट पावने किशोर चंद्रशेखर ही प्रतिशनं मम मम। हर हर महा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर कहा आहा तू तो मेरा भक्त है, ये ले मैं तुझे चंद्रहास देता हूं। वो चंद्रहास नामक खड़क, इसके सामने दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। और दूसरा, तुम्हारे इस कैलाश उठाने के कारण पूरी दुनिया में कंपन हुआ और कंपन से पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव थे वो सब कांप कर रोने लगे। सबको रुलाने वाला नाम तेरा होगा, सबको रुलाने वाले नाम से तू जाना जाएगा, इसलिए सबको रुलाने वाले को कहते हैं रावण। मेरे मोहन कृपा कीजिए, हो मेरे मोहन कृपा कीजिए। बहुत बढ़िया। कि मैं मुखड़े तो नजरा टामा, कि मैं मुखड़े तो नजरा टामा, कि मैं मुखड़े तो नजरा ना तेरे जेहा होर दिसदा, ना तेरे जेहा होर दिसदा। क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। रात पर जागे भी हो, जागरण भी किया, भूखे भाणे वर्त भी रखिया, इन्नी गर्मी जी बैठे दे ते जे मुम्मा दा ना नहीं लिया ते फायदा कोई नहीं। ते जाम ही लगा था थोनू हिंदी घट आंदी है जां थोनू हिंदी समझ नहीं आ रही, इसलिए डोगरी में आते हैं। नाम वाले सदा सुख लैंदे ने, नाम वाले सदा सुख लैंदे ने, नाम वाले सदा सुख लैंदे ने, नाम वाले सदा सुख। नाम वाले आनू नींद नहीं हो राती, वो क्या करते हैं? तड़के उठ के समाधियां लांदे ने, 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 नाम वाले सदा सुख लेंदे। तो महाराज का नाम दिया हुआ है, उस ना दी लाज है, आज प्राण भी महाराज सनातन के लिए चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म कोई परवाह नहीं, आज जान भी चली है। यदि आपने दान नहीं किया, देखो जो आप हो गृहस्थ लोग, जो कथा व्यास नहीं है, कर्मकांड वाला नहीं है, उसके लिए दशांश दान का विधान है, उसी अपनी कमाई चा दसवां हिस्सा दान करना ही चाहिए। लेकिन जेड़े मेरे अटे न ऊपर बैठने वाले या साधु संन्यासी न, जिन्हें की दान थोंदा दक्षिणा थोंदी, उन्हें की 75% अपना दान करना चाहिए, सिर्फ 25% खाने दे कदार।
हो जदू कृष्ण ले आए अवतार कंबिया कंस दा दरबार खुल गए चंद्रे ते टूट गईया हाथ कड़िया जदू कृष्ण ले आए अवतार खुल गए चंद्रे ते खुल गईया हाथ कड़िया जदू कृष्ण ले आए अवतार कंबिया कंस दा दरबार खुल गए चंद्रे ते टूट गईया हाथ कड़िया जदू कृष्ण ले आए हाथ कड़िया आए रात शाम मोरे सपने में आए रात शाम मोरे सपने में आए दैया पी गए दैया पी गए दैया पी गए सारा रा 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 थोड़ी पीछे पीछे होके खड़े होना है पीछे पीछे ये नचना ऊपर नहीं चढ़ना ये जगह खाली रखनी प्यार तेरे नल पाया नंद ते लाडले आया सा प्यार तेरे नल पाया अखां विचों हंजू सुक गए तैनू अजे भी तरस नहीं आया अखां विचों हंजू सुक गए तैनू अजे भी तरस नहीं आया प्यार तेरे नल पाया शामा प्यार तेरे नल पाया शामा प्यार तेरे नल पाया मोहन प्यार तेरे नल पाया मोहन प्यार तेरे नल पाया नंद ते लाडले सा प्यार तेरे नल पाया पिला दे ओ साकी हरि नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी हरि नाम की मस्ती कौन सी मस्ती है महाराज है होसी उठते आसरे तेरे सानू रख चरना दे तेरे असी उठते आसरे तेरे सानू रख चरना दे ओ सानू रख चरना दे तेरे सानू रख चरना दे तेरे ओ सानू रख चरना दे तेरे सानू रख चरना दे तेरे ओ असी उठते आसरे तेरे तेरे असी उठते आसरे तेरे सानू रख चरना दे तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था पूरा जो सत्संग चला जो माहौल आपने देखा अब ये ख़त्म हो चुका है इसके और अब हम लोग कुसुम जी से कुछ जो कहते हैं ना एक दो बात हम इस ब्लॉग में उनके पर्सनली आपको बताएं। तो दोस्तों अब मेरे साथ कुसुम जी हमारे महाराज जी अब आपके सामने कुछ विचार जो पूरे सत्संग में आपने तो सुने ही हैं भजन भी आपने सुने बट अब ये कुछ पर्सनली मैं इनसे टाइम लिया है रात के तो अभी पौने एक दो एक बज गया पूरा तो इस वक्त भी मैंने इनसे टाइम लेकर अब इनसे कुछ विचार जो मेरे इस ब्लॉग से मेरी जो फॉलोअर्स हैं उनको बताएंगे महाराज कुछ भजन जो कुछ पर्टिकुलर एक मैसेज जो इस संसार को दे मेरे यूट्यूबर्स को जो फॉलोअर्स हैं उनको देना चाहेंगे। देखो सबसे पहले तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि गौरव पादा जो ब्लॉग है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो पहले
ये मैंने खुद कहा था इनको कि इस तरह की रिक्वेस्ट भी कर देंगे। तो दूसरा नंबर ये है कि भगवान कृष्ण का देखो, हम सब लोग जो भारतवासी हैं, भारत गौरव की भूमि है, शौर्य की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सबको चाहिए कि भगवान कृष्ण का वो मुरली वाला स्वरूप तो देखें, वो ठीक है 11 साल 52 दिन तक, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंस वध करने को वो मथुरा की ओर गए, उसके बाद मुरली को त्याग दिया और सुदर्शन को उठाया और क्या कहा मुख से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। इस संसार में जब जब धर्म के ऊपर विपत्ति आएगी, हानि होगी, जब जब इस देश के ऊपर आतंकवादी देश, आतंकवादी संगठन बुरी दृष्टि से देखेंगे, तब तक वो आएंगे। आएंगे किस रूप में? आज के समय में उन्होंने कहा त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृतो युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संगे शक्ति कलो युगे। संघ रूप में वो कलयुग में आएंगे और संघ रूप में आप सब सज्जन लोग, राष्ट्रभक्त लोग, जिन्होंने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा में तिरंगे को सम्मान दिया, ये सारे लोगों के रूप में ही भगवान कृष्ण आज भी कलयुग में उपस्थित हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करनी, भगवान कृष्ण हम सब के संगठन के रूप में हमारे साथ हैं, बाकी हमारी और बुरी दृष्टि से देखने वालों की ऐसी की तैसी महाराज। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे ही हमारे साथ अपने कुसुम इंदु जी की जो कह रहे हैं पर्सनली विचार जो इस मेरे आप लोगों के लिए थे, तो इसी के साथ आज का जो ब्लॉग था वो ख़त्म होता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।